कि आपका भी कंप्यूटर किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को फाइंड नहीं कर पा रहा है। अक्सर यह प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में देखने के लिए मिलता है कि जब वे अपने कंप्यूटर में ब्लूटूथ को स्कैन करते हैं ब्लूटूथ डिवाइस को फाइंड करने के लिए, तो उनका जो कंप्यूटर है वो किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस को फाइंड नहीं कर पाता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। तो मैं आपको विंडोज 7 में बताता हूँ, ठीक है। अभी तक आपके साथ होता क्या होगा कि यहाँ पे जो मोबाइल का डिवाइस है वो आपका यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना भी देर आप है सो स्कैनिंग के लिए छोड़ देते होंगे, फिर भी यहाँ पे आपके मोबाइल का जो डिवाइस है वो नहीं दिखा रहा होगा। आप मोबाइल में भी ब्लूटूथ को ऑन करके और यहाँ पे छोड़ देते होंगे, फिर भी यहाँ पे ब्लूटूथ का जो डिवाइस है वो शो नहीं करता होगा, यही ना प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का मैं आपको दो तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप कीजिए क्या कि यह सभी चीज़ को कट कर दीजिए। तो पहला तरीका यह है कि आपको करना क्या है कि माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करना है, उसके बाद प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइस मैनेजर मिलेगा, तो यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे आपका ब्लूटूथ का ड्राइवर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यदि यहाँ पे आपका ब्लूटूथ का ड्राइवर नहीं दिखा रहा है तो फिर ये चीज़ जो है वो फिक्स नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है कि यहाँ पे ब्लूटूथ का ड्राइवर है कि नहीं है। एक चीज़ आपका और करना है, यहाँ पे व्यू में क्लिक करके यहाँ पे शो हिडन डिवाइसेस में क्लिक कर देना है। तो जितना भी हिडन डिवाइस रहेगा सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको शो हिडन डिवाइसेस करने के बाद एक बार और चेक कर लेना है कि ब्लूटूथ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यदि यहाँ पे आपका ब्लूटूथ का ड्राइवर नहीं दिखा रहा है तो आपको जो है ब्लूटूथ के ड्राइवर को सबसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन वीडियो को देख लीजिए, इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तीन वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके पीसी या लैपटॉप के लिए कौन सा ब्लूटूथ ड्राइवर सूटेबल है। तो आप ऐसा डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, उसके बाद यहाँ पे आपका ब्लूटूथ रेडियो दिखा देगा, हो सके यहाँ पे आपका CSR ब्लूटूथ रेडियो भी दिखाए। इसमें आपको करना क्या है कि डबल क्लिक करके इसको खोल लेना है। तो यहाँ पे आपका दो ऑप्शन दिखाएगा, तो दोनों में एक एक करके पहले ऊपर वाले में क्लिक करें और यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है कि नहीं। डिसेबल दिखा रहा है इसका मतलब ये इनेबल है। उसके बाद दूसरे वाले में क्लिक करें और यहाँ पे चेक करें कि डिसेबल दिखा रहा है कि नहीं। यदि डिसेबल दिखा दिया इसका मतलब ये इनेबल है, यानी कि ये दोनों काम कर रहा है। उसके बाद आप जो है एक बार चेक कर लें कि ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हुआ कि नहीं। यदि नहीं हुआ तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। तीन सभी को काट दीजिए। तो दूसरा तरीका ये है कि आपको करना क्या है, अपने कीबोर्ड से विंडोज की उसके बाद आर की को एक साथ प्रेस करना है, यानी कि विंडोज प्लस आर को एक साथ प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में। उसके बाद आपको टाइप करना है services.msc, उसके बाद आपको इंटर कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह ओपन होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे ब्लूटूथ सपोर्ट को आपको फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे है ब्लूटूथ सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें राइट क्लिक कीजिए आप, उसके बाद प्रॉपर्टीज में क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक में करके यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक कर देना है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। तो इससे होगा क्या कि यदि आपका ब्लूटूथ का जो सर्विस है वो ऑफ रहेगा तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, उसके बाद एक बार आके चेक करना है कि वो जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हुआ कि नहीं। देखते हैं यहाँ पे फिक्स हुआ कि नहीं। अब जो है यहाँ पे मेरे मोबाइल में ब्लूटूथ जो है वो ऑन है, देख सकते हैं। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो डिवाइस है वो आता है कि नहीं स्कैन करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो डिवाइस है वो दिखा दिया, तुरंत आ गया, ठीक है। तो आपको जो है कनेक्ट करने के बारे में तो पता ही होगा कि कनेक्ट कैसे करना है। मेरा काम था केवल यहाँ पे डिवाइस को दिखा देना। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली डिवाइस जो है वो शो हो गया है।